तो तिल मुल्क मंतशा व तंस उल मुल्क मंतशा व तु इस्सु मंतशा व तु सिंधु मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन करीम। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदका रसूलुल नबी करीम। मुअज़्ज़ज़ो मुहतरमो मुहतशम आज़मीन कराम, इससे पहले कि मैं चंद मारूज़ात की तरफ बढ़ूं जो आपके सामने गोश गुजार करनी है, आई फील ऑब्लिगेटेड टू बी हाईली थैंकफुल टू दिस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मोहम्मद काशिफ कमर साहब, अंडर हूज प्रेजिडेंटशिप दिस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, एंड पर्टिकुलरली राजा जाहिर साहब, सैयद फवाद साहब जो लाहौर से और बिहारी से तशरीफ लाए, और वकीला चौधरी रीनवास साहेब, हाजी आरफ साहेब, वालिद मोहतरम, बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके हर आने वाले पार्टिसिपेंट का, बाबुल इल्म लीडर्स क्लब का हर मेंबर आपकी मोहब्बत और शफकत का मखलूज रहेगा। जनाब सदर, मुअज्जज़ हाज़िरीन कराम, असद अली का नाम आपने सुना होगा। असद अली एक न्यूली कन्वर्टेड टू इस्लाम शख्स है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इंग्लिश में तर्जमा भी किया है। उसकी रोड टू मक्का और इस्लाम एट दी क्रॉस रोड दो मशहूर ज़माना किताबें हैं। उनमें से एक किताब इस्लाम एट दी क्रॉस रोड, इसके अंदर एक हदीस कुदसी को वो बयान करता है और एक बड़ी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करता है, और ये बात सुनते और कहते हुए ये बात भी हमारे जहन में रहनी चाहिए कि इस हदीस कुदसी की जो तशरीह शख्स कर रहा है वो खुद भी न्यूली कन्वर्टेड टू इस्लाम है, वो क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम बना है। हदीसे कुदसी है, कुल्लु मौलूदिन युबदअ अलल फितरा फअबाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युवज्जिसानिही। हमने तमाम ने बेशतर ने इसका तर्जमा ये पढ़ा कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरते रहमान पर पैदा होता है और उसके अबाव उसको या मजूसी बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। लेकिन टू माई अटल शॉकिंग एंड सरप्राइज, असद अली कहता है कि फा अबाहू का मतलब यह है कि एवरीबॉडी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अबाव हु इज कंट्रीब्यूटर टू क्रिएट द एनवायरमेंट एंड द एटमॉस्फेयर वेयर अ बोर्न चाइल्ड इज ब्रॉट अप। वो कहता है कि अबा से मुराद हर वो शख्स है जो उस माहौल को क्रिएट करने में अपना किरदार अदा करता है जिस माहौल के अंदर उस बच्चे की परवरिश होनी है। वो कंट्रीब्यूटर एक उस्ताद भी हो सकता है, वो कंट्रीब्यूटर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो कंट्रीब्यूटर वालिदा और वालिद भी हो सकते हैं, वो कंट्रीब्यूटर दादा दादी नाना नानी भी हो सकते हैं, और वो कंट्रीब्यूटर उसके मोहल्लेदार और उसके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब से मैंने इस हदीस मुबारक को पढ़ा मैंने अपनी जमीन पे एक मोल महसूस करना शुरू कर दिया।
इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक तो हर सुबह आंख खुलते ही एक सवाल मेरे जमीर को जंझोड़ता है कि तुम्हारे गीतों नवा में पैदा होने वाला बच्चा जो फितरत रहमान में पैदा हुआ था वो फितरत शैतान की तरफ जा रहा है। क्या तुमने इसको फितरत रहमान पे लुटाने के लिए कोई किरदार अदा किया? तो मैं शर्मसारी के साथ उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुअज्जिन साहब, ये कोई इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक तिर्मिज़ी शरीफ में भी हमें मिलती है जिसके अल्फाज हैं, अल रजुलु अला दीनि खालिदिही फलयंजुर अहदुकुम मिन युखालिदु, के हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब तुम्हें चाहिए कि दोस्त का इंतखाब करते हुए उसका अच्छा इंतखाब करो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बुखारी शरीफ में भी हमें मिलती है कि मसल जलीस सालिह व जलीस सू कमसल साहिब मिस्की वकील अल अद्दार, के अच्छे दोस्त की मिसाल अत्तार की मिसाल है और बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की मिसाल है। जिस तरह अत्तार के पास बैठे हो अगर तुम्हें या तो परफ्यूम को फरोख्त करेगा, अगर वो फरोख्त नहीं भी करेगा तो उसकी खुशबू से तुम मुअत्तर हो जाओगे। और बुरा दोस्त लोहार की मनीत है कि जब तुम उसके पास बैठोगे तो अगर तुम उससे कुछ भी ना खरीदोगे तो फिर भी उसके चंगाड़े तुम्हारे कपड़ों पर और तुम पर पड़ेंगे। मौज़ साहब, आज जिस नबाज़े वक्त की याद में आज ये स्पीच कंपटीशन मनाया जा रहा है, उसने भी यही बात कही थी कि हुई नजाक में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही बच्चे को सौंपते बाप, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेला। मजसा नहीं, ये लोकल विजडम भी यही है, इंटरनेशनल विजडम भी यही है। ये रिसर्च करके लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया कि अ मैन इज एवरेज ऑफ हिज फाइव फ्रेंड्स विद होम ही स्पेंड्स द मोस्ट ऑफ हिज टाइम। कि अगर एक इंसान को तुम परखना चाहते हो तो उसके पांच करीबी दोस्तों को ले लो, वो उनकी एवरेज होगा। और आपकी लोकल विजडम भी यही होती है। जब आपने अपनी लाडली बेटी या बहन का रिश्ता करना होता है, जब उसके लिए आप इंतखाब कर रहे होते हैं, तो आप एक ही सवाल हर मिलने वाले को कहते हैं कि जिसका इंतखाब करने जा रहे हो उदा बहना उठना देख लो, वो जलीस किसका है, वो कंपेनियन किसका है, वो किसकी कंपनी में रहता है। मुअज्जिन साहब, जब दीन भी ये कह रहा है, कुरान भी ये कह रहा है, अहदीस भी ये कह रही है, मुफक्किरे इस्लाम नबाज़े वक्त अल्लामा इकबाल भी ये कह रहा है, और आपकी लोकल विजडम भी ये कह रही है। और अगर इजाजत दें अपने जमीर को झुंझोड़कर और आपके जमीरों को झुंझोड़ने की कोशिश करूं तो एक जुमला मेरे लिए ताना बन चुका है। जब किसी से ये मैं पूछता हूं कि आज अपने बच्चे आपने गुजरांवाला मुंतकिल क्यों कर लिए हैं, तो उसका एक जवाब होगा यहां का माहौल ठीक नहीं है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं अपने बच्चों को इस तरीके से लेकर जा रहा हूं, इस जहालत से निकाल कर ले जा रहा हूं। इसका मतलब यह है उस माहौल को बुरा बनाने में कंट्रीब्यूशन किसका है? तूने उस माहौल को संभालने के लिए कंट्रीब्यूट क्या किया? तुम बतौर फर्द को इस आश्रम में जिंदगी गुजारना चाहते हो? लेकिन कलेक्टिव लाइफ के लिए तुम तैयार नहीं हो। मैं माजर का हूं, शायद अल्फाज का रूप न दे सकूं जो मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये 13 साल सहदाजबंदी आपके घरों में जाके नॉक करना, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के मेंबरान का ताको तशरीफ सुनना, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के मेंबरान का शबाना रोज मेहनत करना, ये भी ख्याल रखना कि 1 बजे आज मैच शुरू हो जाना है, इससे पहले प्रोग्राम को खत्म करना है, ये भी ख्याल रखना कि रात के 1 बज जाए, इस पंडाल को सजाना है, इसलिए कि ये बताने के लिए कि मेरा अल्लाह का इस काबिल है कि यहां पर लाहौर जाए। ये मैं चैलेंज करके कहता हूं कि ये सहूलतों का फुकदान वजह नहीं है। आपके यहां पर इंपैक्ट मौजूद है, सुपीरियर मौजूद है, कसूर के अंदर पंजाब कॉलेज मौजूद है, जो ब्रेड आप वहां जाके लेते हो, ये वजह नहीं है। वजह सिर्फ एक है और वो ये है कि हम इस माहौल से बचना चाहते हैं। ये दर्द दिल आपके सामने रखने के बाद तवज्जो सिर्फ एक चीज की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं, वो ये है कि आए इस माहौल की बेहतरी में कंट्रीब्यूट करें। खुदी जो नबाजे वक्त ने दी उसके मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजार रहे, लेकिन हम खुदी की जिंदगी में जरूर रह रहे हैं। मेरी खुदी क्या है कि आई एम Because I have luxurious car, I am because I have social status. हर शख्स मैं से बाहर नहीं निकल रहा, सिर्फ इस बात में कि मैं हूं, हम ये कहते हैं तुम हो, लेकिन इस मुआशरे के अंदर रहकर तुम होना चाहिए। ये बाबुल इल्म रीडर्स क्लब बड़ा इश्तियाक साहब आए, थोड़ी सी उनकी तबीयत में खफगी मुझे नजर आई पहली दफा, हालांकि सबसे ठंडी तबीयत और ठहराव वाला मैं उनको समझता हूं अपने सारे मेंबरान में, कि लोग हमें ये कहते हैं, एक बात याद रखिएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुस्लिम मुबल्लिग और बड़ी शख्सियत
नहीं आ सकती, इस पे हम सबका यकीन है। इतनी बड़ी शख्सियत को जो चार ताने दिए गए वो बड़े अजीब थे, और वो हम में से शायद चारों किसी को भी नहीं दिए जाते। पहला ताना क्या था याद करें, आप सबको मालूम है, सिर्फ मैं रिफ्रेश करवाना चाह रहा हूं। पहला ताना क्या था जब अबू तालिब के पास गए? पहला ये था कि अगर तुम्हारा भतीजा कोई बादशाह बनना चाहता है तो हम अपने कबीले का सरदार बना देते हैं, अगर किसी खूबसूरत बेटी से, किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है तो हम शादी करवा देते हैं, अगर मान लो दौलत चाहिए तो दौलत के अंबार लगा देते हैं। और आखिरी सबसे बड़ा ताना ये था कि अगर खुदा न खास्ता इनका कोई जहनी तवाजुन खराब हो गया तो वो हम ठीक करवा देते हैं। मुझे ये बताएं, कायनात के मालिक को जब इससे बड़ा ताना और क्या हो सकता है? मेरी 13 साल इस काविश में, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब की इस 13 साल काविश में अभी तक कम से कम हमें ये ताना नहीं मिला। ये ताना आपको सीने से लगाना चाहिए। ये जो अभी मुबीन साहब बात कर रहे थे कि घिसते घिसते घिस गए पत्थर जो नोकीले थे, लेकिन इस सारे के बावजूद आई सैल्यूट टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑल द बाबुल मेंबर्स ऑफ बाबुल इल्म रीडर्स क्लब। अब ये फेलोज हमारे इलाके की मोतबर शख्सियात यहां पे तशरीफ फरमा है। 13 मरला की लाइब्रेरी, उसकी बिल्डिंग तैयार करके उसको ऑपरेशनल हमने कर दिया। इसका मकसद बुनियादी तौर पे क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो सेगमेंटेड सोसाइटी है, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, इसको दोबारा जोड़ना चाहते हैं। मुआशरे के जो मुख्तलिफ यूनिट है उनके अंदर एक रब्त, एक ताल्लुक कायम करना चाहते हैं। इसलिए कि इस नवाजे वक्त का एक ही पैगाम था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वो ये फरमाते थे कि हर ईंट जब दूसरी ईंट से मिलेगी तो पहले वाली को स्ट्रेंथन करेगी। हम अपने तौर पे ईंट को मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन मुआशरे की दीवार को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं है। उसको कम्युनिटी सेंटर बनाना चाह रहे हैं। एक मौका फराहम किया कि आप किताबें पढ़ें, वहां पे डिबेट करें अपनी एक्टिविटीज जो, ताकि आपकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में तब्दील हो। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है। अब उसके आप बिलीव करें, काशिफ साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे, कि आई एम द लकीस्ट वन लाइक मिस्टर काशिफ, के ये हमारे गांव के काशिफ साहब जीएम ऑपरेशन की एम शरफ टेक्सटाइल शाहपुर, इनके बहुत और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। इस बात से और भी दोस्त इस बात पे इत्तफाक करेंगे कि यहां से जब हम किसी अच्छे इदारे में जाते हैं, अच्छे इदारे से मुराद मेरी है जहां पे आपको माहौल मिलता है, तो वहां पे वही थर्ड लिसनर, सेकंड लिसनर या हार्डली थर्ड लिसनर जो है वो टॉक कर रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी सिर्फ एक वजह है कि उस पोटेंशियल को अपने आप को दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। और इस मुआशरे के अंदर जिस पे बाबुल इल्म रीडर्स क्लब ने फोकस किया वो दो चीजें थी, एक लैक ऑफ गाइडेंस थी मुआशरे के अंदर और दूसरी लैक ऑफ एप्रिसिएशन थी। हमने कोशिश की कि गाइड करके लोगों को अप्रिशिएट किया जाए ताकि मैक्सिमम जो है रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाए। अब मेरी बेटियां बहनें अच्छे नंबरों के साथ मास्टर क्वालिफाइड है, लेकिन ये नहीं मालूम कि आगे किस तरफ जाना है। हमने यहां पे ये कोशिश की कि करियर काउंसलिंग जैसा कि बात कर रहे थे, उस वहां की उसकी अपॉर्चुनिटी यहां पे प्रोवाइड की जाए। अब काशिफ साहब
सारी दुनिया से एक्सपीरियंस इकट्ठा किया हुआ, ना सिरा वाली इस्तेफादा कर सका, ना कहर वाली इस्तेफादा कर सका। हम तो चले बैकवर्ड थे, सिरा वाली को तो इस्तेफादा करना चाहिए था। सिर्फ मकसद ये है इस सारे इज्तमा का कि हम एक कम्युनिटी सेंटर प्रोवाइड करें जहां पर जो अहले इल्म है, दानिशो बिनिश है, उनको वहां पे सामने ला के खड़ा किया जाए कि ये वो लोग हैं जो यहां से उठे और ये बन गए, और तुम भी यहां से उठ के ये बन सकते हो। ये जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करवाना है उसका मुख्तसर और मुख्तसर यही मकसद है। अब अगला जो इंतजाम हम करने जा रहे हैं, जैसा कि इश्तियाक साहब ने बताया, वो ई लाइब्रेरी हम यहां पे स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। और मुझे तफसील के साथ काशिफ साहब बताएंगे, इनके बेटे ने ये सोर्स पर्सन के तौर पे शायद इंटरनेशनली किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, दिस इज अगेन एन ऑनर फॉर ऑल द लोकेलिटी, वो मुंतखब हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से। या मुझे तफसीलात नहीं, वो जब आएंगे तशरीफ लाएंगे तो आपको बताएंगे। और ये हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन ये इस इलाके में इंडिविजुअल सतह पे चीजें हो रही हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो जो इंडिविजुअल लेवल पे चीजें हो रही हैं वो एक गरीब और मतवस्त तबके के बच्चों को भी मिले। अदरवाइज एक बड़ी हैरान कुन बात है जो आपके सामने रखने लगा। वो हैरान कुन बात यह है कि इस साल 40 लाख बच्चे जो हैं वो 18 साल की उम्र में पाकिस्तान में पहुंचने वाले हैं। कितने? 40 लाख। उनमें से 25% जो है वो इंटरमीडिएट स्ट्रीम से आगे आएंगे, यानी एफए करके, एफएससी करके इस स्ट्रीम से, और बकिया 30,000 जो बच्चे हैं वो ए और ओ, ओ और ए लेवल की तरफ से आएंगे। और 75% जो बच्चे हैं, जो तकरीबन 3 मिलियन बनते हैं, वो इंटरमीडिएट यानी एफए कर ही नहीं पाएंगे। और ये एक थीसिस जोर पकड़ता जा रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ इस्लामिक रिपब्लिक, इट इज अ 1% रिपब्लिक। और उनका एनालिसिस भी यही है कि ये जो 1% रिपब्लिक यानी ए और ओ लेवल लेके आए हैं, ये आगे लीड करते हैं। और उस थीसिस को साबित करने के लिए वो बात कहते हैं कि अभी करंटली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आधे जो है वो एचिसन से हैं, और एग्जैक्टली आधे कैबिनेट के मेंबर जो है वो भी एचिसन से हैं। यानी वन स्कूल एचिसन इज प्रोड्यूसिंग हाफ ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये जो तासुर जोर पकड़ता जा रहा है, जिसमें बहुत हद तक हकीकत भी है, उसको हम तोड़कर, उसको डिसेंट्रलाइज करके, ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट करके नीचे तक लाना चाहते हैं। ये यूनिट के लेवल पे भी इसी तरह ही इसका तासुर है। हम चाह रहे हैं कि ये सबको इसका इस्तेफादा हो। अब इक्तिसार के साथ इख्तिताम की तरफ मैं जा रहा हूं। ये बात सिर्फ ये करनी है कि हर प्रोग्राम पे एक हम टारगेट सेट करते हैं और उसको टारगेट को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस दफा हमने ई लाइब्रेरी का जो टारगेट सेट किया है उसमें 10 कंप्यूटर्स और 10 उसके टेबल या उसके साथ जो उसको फर्निश, कमरे को फर्निश करने के हवाले से जो चीजें चाहिए वो 25,000 एक कंप्यूटर और टेबल का जो हमने एस्टीमेट लगाया वो बनता है। जितने मेरे, जितना बंदे, जो शख्स किसी लेवल का मुझसे जितना प्यार करता है, खा वो मेरी बेटी है, खा वो मेरी बीवी है, खा वो मेरा भाई है, खा वो मेरा वालिद है, खा वो मेरा दोस्त है, खा वो मुझे नहीं जानता, मेरा दर्द दिल समझ के ये मेरी इस्तदा कबूल करे। और ये मैं आपको बात बता दूं, जज और राणे की जहालत मरते मरते मरती है, यहां पे आके मांगना बहुत 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 कुछ। लेकिन जब भी मेरे सामने ये ईगो सामने आई तो एक जुमला मेरे सामने आता तो आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि मेंबर बाबू इलम रीडर्स क्लब भी इसको मद्देनजर रखें।
आपको मालूम है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? सर सैयद ने बनाई थी। ये बनी है 1920 में, और साल खलीफा कब फौत हुए थे? 1898 में। तो सर सैयद ने कैसे बनाई? बल्कि जी अलाना हसन यहां तक कहता है कि दिस पाकिस्तान इज इंडेटेड टू मुस्लिम लीग, एंड मुस्लिम लीग इज इंडेटेड टू अलीगढ़, एंड अलीगढ़ इज इंडेटेड टू सर सैयद अहमद खान। और कंक्लूड ये करता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान किसने बनाया, तो एक शख्स था वो सर सैयद अहमद खान। क्यों? इसलिए कि सर सैयद अहमद खान की यूनिवर्सिटी ने लोग प्रोड्यूस किए, और उसमें नवाब मुल्क का एक आपने नाम, मुस्लिम मुल्क का सॉरी नाम सुना होगा, वो गली गली करिया करिया सर सैयद अहमद खान की वफात के बाद जाता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त अभी कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, और जाके दरवाजा नॉक करता था नवाब, एक बात कहता था, आपके बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम मुल्क भीख मांगने आया है, और अगर आप इजाजत दें आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का हर मेंबर भीख मांगने आया है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, और अब हम बढ़ेंगे।